दोस्तों आज हमारे पास है हुंडई की i20 पेट्रोल वर्जन। इसमें हम करने वाले हैं इसका इश्यू चेंज। इसमें एसी का प्रॉब्लम आ रहा, एसी थोड़ा जल्दी इसमें ट्रिप कर जा रहा है, एसी सही से चल नहीं रहा इसमें, तो ये इश्यू हम इसमें लगाने वाले हैं। और दूसरा इश्यू जो है इसका खोल रहे, इसका एसी भी चेक कर लेंगे हम और इसका प्रोग्रामिंग भी देख लेंगे दोस्तों कि क्या क्या करना पड़ता है इसमें। ये ओरिजिनल है इसका, ओरिजिनल के ये तो वही कुछ डिस में चेंजिंग नहीं है, मतलब थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज होता है। इसका एसयू का पोजीशन जो है दोस्तों यहाँ पे होता है, इसको भी हमने डिस्कनेक्ट किया है और इसको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करके इसको इंस्टॉल करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा और उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या न्यूट्रल करना पड़ता है। अगर जैसे अभी ये गाड़ी चालू है तो इसका भी हमने ECM और स्मार्ट्रा न्यूट्रल करके खोला है, तो वो क्यों खोलना पड़ता है, क्यों न्यूट्रल करना पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर जैसे अगर अब हमने अभी इसको न्यूट्रल नहीं किया और इन फ्यूचर हमें कभी ज़रूरत पड़ा, ये ECM का, इससे हमारी गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ा और हम न्यूट्रल करके नहीं खोलते हैं तो फिर बाद में उसको न्यूट्रल करना काफ़ी मुशक्कत वाली काम हो जाती है दोस्तों। इसके वजह से पहले ही न्यूट्रल करके खोल दें कि बाद में अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए जो कम से कम में चलाना चाहे, एसी वगैरह उसमें हल्का ट्रिप कर रहा है, पूरा सही से नहीं काम कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब रखते हैं, उनको ये एसी दिया जा सकता है। तो फिलहाल हम उसको चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के बाद फिर आपका कोडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। इसका हमने ECM चेंज कर लिया है, अभी इग्निशन ऑफ करो, चाबी का लाइट देख के आप नहीं आ रहा है, ऑन करो। स्मार्ट का लाइट यहाँ ऊपर में जो आता है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम जो है सिस्टम कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसका लाइव डाटा लेंगे। लाइव डाटा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ECM स्टेटस लर्न दिखा रहा है और इस की का तो लर्न दिखाएगा, स्मार्ट न्यूट्रल दिखा रहा है, तो हमें इसका ECM भी न्यूट्रल करना होगा तभी इसका प्रोग्रामिंग होगा। न्यूट्रल करो इसका, कोड बोलिए भैया। 251043। हाँ, इग्निशन ऑफ करेंगे हम 10 सेकंड के लिए और यहाँ से ओके करेंगे। 10 सेकंड के बाद जब हम फिर से इग्निशन ऑन करेंगे जब, तो हमें न्यूट्रल होना चाहिए। ऑन करो, अभी लाइव डाटा लो, न्यूट्रल हो गया दोस्तों। अब नंबर ऑफ की 0 दिखा रहा है अभी यहाँ पे, इसका हम प्रोग्राम करेंगे। चलो दोनों चाबी करना है भैया। हाँ। प्रोग्राम की ओके ओके, प्रोग्राम सक्सेस। डू यू वांट टू अनदर की? यस करेंगे। इंसर्ट की, दूसरा चाबी लगाएंगे अभी यहाँ पे हम। अभी भी हमारे स्मार्टफोन नहीं आया है, ओके करेंगे यहाँ पे। ओके, अब नो कर देंगे यहाँ पे। नो, हाँ, प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पे स्मार्ट ट्रक लाइट आ चुका है। चलो स्टार्ट करो, इससे निकल है, ऑफ करो, ऑन करो, स्टार्ट करो। ये फर्स्ट की से स्टार्ट हो गया दोस्तों। चलो अब उसको निकालो, इधर साइड में रखो, इससे स्टार्ट करो। सक्सेसफुली हमारी दोनों चाबियाँ ये हो गई हैं पेयर। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, इसे भी चेक कर ले रहे हैं इसका जो हमारा प्रॉब्लम था। देखो ये ओरिजिनल ऑटोमेटिक में ले लिया, तो इसमें जो है प्रॉब्लम था एसी का ही, तो एसी इसका एसी नहीं ले रहा, ले लिया ऑटोमेटिक अपने आप ले लिया, सेटिंग सेट है उसका। ये काम हमारा कंप्लीट होगा दोस्तों, तो इसका प्रोग्रामिंग का जो प्रोसीजर आपने कंप्लीट देखा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।